बजन स्टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान जुड़ रहे हैं. समित, स्वागत है आपका. टेक महिंद्रा इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स हैं, लेकिन स्टॉक 1% के आसपास 0.8% नीचे ट्रेड करता हुआ इस वक्त. क्या करना चाहिए स्टॉक में? वेल, अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो अगर अगस्त मंथ से इसकी प्राइस एक्शन हम देखें तो एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है. ऊपर 580 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे 530 520 एक सपोर्ट बन गया. तो ये रेंज में ये ट्रेड हो रहा है. वॉल्यूम भी इसमें एवरेज वॉल्यूम्स है, तो हमें लगता है ये साइडवेज मूवमेंट और कंटिन्यू रहेगी. जब तक ये स्टॉक 580 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, इसमें कोई सब्सटेंशियल अपमूव हम नहीं देखेंगे. ये इसके साइडवेज फिलहाल जो ट्रेंड है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ वीक्स के लिए कंटिन्यू रहेगा. ओके, चलिए बाकी एक्टिव काउंटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस. ना सिर्फ अमेरिका में जो फिगर्स आए हैं वो बहुत बढ़िया है. लैंड रोवर, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसके भरोसे पर 97.6% का एक बड़ा जंप देखने को मिला है लैंड रोवर के सेल्स में. जैगुआर की सेल्स हल्की कम रही है, 1.9% कम हुई है, लेकिन टोटल परफॉर्मेंस JLR का 76% का जंप. यूएस के ये आंकड़े हैं एंड ऑब्वियसली बहुत बड़े आंकड़े हैं. टाटा मोटर्स के लिए एक और बड़ी पॉजिटिव बात, बड़े फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एंड दैट्स अ बिग डील. तो समित, दो तीन पॉजिटिव खबरें. टाटा मोटर्स इस वक्त 5% इनफैक्ट 6% ऊपर है, क्या करना चाहिए? लेकिन जैसे आपने बताया कि यस, इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट अगर आप एंटायर अक्टूबर मंथ की इसकी प्राइस एक्शन देखें तो ये स्टॉक ने 280-290 से एक स्टूपेंडस रैली दी है. मोर देन अप 30-35% इसमें एप्रिसिएशन हुआ है. तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर नियर टर्म की बात करें तो ये फैक्टर्ड इन थी प्राइजेस में ऑलरेडी. अक्टूबर मंथ में जो हमने प्राइस मूवमेंट देखी ऊपर की तरफ, हम इमीडिएटली एक 415 से लेके 420 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं. तो जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं मेरे ख्याल से हाई लेवल्स पे अराउंड 415-420, ये स्टॉक को नियर टर्म में अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा. तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी. यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए रेकमेंड हम नहीं करेंगे. अगर स्टॉक अच्छा खासा लोअर साइड पे करेक्शन देता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है. तो ये सलाह है टाटा मोटर्स पर. लेकिन समित, आपसे इजाजत लेने का वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए. लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद दिवाली पर कैसे आएगी आपके घर लक्ष्मी, हम बताएंगे वो चमकदार शेयर जो देंगे आपको धमाकेदार रिटर्न. हमारे साथ जुड़ेगी हमारी रिसर्च टीम वरुण, डिम्पी और सोनम. ब्रेक के बाद.